बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान अपना जलवा आनंद अंबानी की शादी में देखा चुके हैं। आनंद अंबानी की शादी की धूम रही है। इस मेगा अंबानी इवेंट में दुनिया भर से नामो लोग शामिल हुए। नए कपल को बधाई देने पहुंचे बॉय वालों में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड सितारे, बिजनेसमैन से लेकर राजनीतिक और धर्म गुरु भी शामिल थे। खास मेहमान के तौर पर अंबानी परिवार ने जगत गुरु शंकराचार्य का स्वागत किया था। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविक मुक्तेश्वर नंद ने शिरकत की। इस दौरान सलमान खान की बहन से बातचीत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मेगा स्टार सलमान खान ने जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात की और बातचीत भी की। इस दौरान शंकराचार्य ने उन्हें द्वारका आने का खास न्योता भी दिया। जी हाँ, इतना ही नहीं, एक्टर ने न सिर्फ न्योता स्वीकार किया बल्कि वहां जरूर पहुंचने का भी वादा किया। बता दें कि शंकराचार्य ने सलमान खान से कहा, आप आइए द्वारका। इसके जवाब में सलमान खान ने कहा, जरूर, मेरी बहनें आती रहती हैं, इस बार मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं जरूर आऊं। आनंद अंबानी की शादी से लेकर रिसेप्शन तक हर कार्यक्रम में सलमान खान छाए थे। सलमान खान ने आनंद के साथ ही डांस भी किया और नए कपल को शुभकामनाएं भी दी, ब्लेसिंग्स भी दी, आशीर्वाद भी दिया और ढेर सारा प्यार भी जताया। बता दें कि इससे पहले वो दोनों प्री वेडिंग में भी नजर आ चुके थे। आनंद और सलमान खान के बीच कमाल की बॉन्डिंग और तालमेल भी देखने को मिला, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। हाल ही में सलमान खान ने नए कपल को बधाई देते हुए एक पोस्ट साझा किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने कामना की थी कि जल्द ही अनंत राधिका के बेबी हो और वो जल्द ही इस खास मौके पर दोबारा से डांस करते हुए नजर आए। वैसे आपका इस बॉन्ड पे क्या कुछ कहना है, सलमान खान पे क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताइएगा। बता दें कि आने वाली फिल्म है सलमान खान की सिकंदर, जिसमें वो जल्द ही नजर आने वाले हैं। अगर बात करें सलमान खान के बॉयफ्रेंड की, तो वो इन दोनों सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त है। जी हाँ, फीमेल लीड रश्मिका मंदाना के साथ सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर में नजर आएंगे। फिल्म की घोषणा आधिकारिक तौर पर की जाएगी और अभी इसकी घोषणा भी हो चुकी है, जिससे पहले ही सलमान खान टाइगर 3 में नजर आ चुके थे। फिल्म ने तगड़ी कमाई भी की थी। आने वाली फिल्म है सिकंदर, जो की ईद के मौके पर रिलीज होगी। आपको सलमान खान का इस फिल्म का कितना इंतजार है, हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहने।